हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बी विकल आई टी आई गुरु में डेली आई टी फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2022। दोस्तों, बहुत लोग कमेंट ये है कि फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट लेटर कब तक जारी हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे आपके सामने डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 सितंबर 2022 को फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट रिजल्ट दोस्तों जारी हो जाएगी। अब यहाँ पे बहुत लोग का डाउट ये भी है कि जब फर्स्ट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जब जारी होगा उस टाइम पे कितने रैंक वालों का नाम उसमें आएगा। तो आइए दोस्तों आपको बता देते हैं कि कितने रैंक वालों का उसमें नाम आ जाएगा। दोस्तों, मैंने ऑफिशियल साइट से यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो शेड्यूल दिया गया है, ये दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे लिखा है टेंटेटिव शेड्यूल, मतलब कि दोस्तों इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे एक डेट दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिश ऑफ फर्स्ट सीट राउंड जो है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट दोस्तों 2 सितंबर 2022 को जारी हो जाएगा, यहाँ पे डेट दिया गया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे टेंटेटिव रैंक लिखा हुआ ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डेट तो 2 सितंबर दिया गया है, लेकिन इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन जैसे कोई अपडेट आता है आपको तुरंत दोस्तों मैं सूचित कर दूंगा। तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 2 सितंबर को जारी हो जाएगी। अब बात करते हैं कितने रैंक वालों का जो है इसमें आपका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो मैं रैंक आपको दिखा देता हूँ कितने रैंक वालों का नाम इसमें जारी हो जाएगा। दोस्तों, मैंने रैंक कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल रैंक फॉर वेरीफाइड कैंडिडेट सेशन 2022। तो यहाँ पे रैंक जो है आपका नंबर वाइज दिया गया है कि किसका कितना नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं टेंथ में कितना नंबर दिया गया है और यहाँ पे टेंथ में कौन सा रैंक आया है वो भी दिया गया है। और यहाँ पे जो है जिन्होंने 8वीं पास भर रखा है उनका यहाँ पे रैंक दिया है दिल्ली के अनुसार, दिल्ली में कितना रैंक है। और यहाँ पे दिल्ली के आउटसाइड यानी बाहर से अगर भरे हैं तो उनका रैंक यहाँ पे कितना दिया गया है, और यहाँ पे जो है 8 में उनका कितना परसेंट है वहाँ पे यहाँ पे जो है दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका 8वीं, दोस्तों यहाँ बात थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने 8 भर रखा है उनका 8 के हिसाब से रैंक जारी होगा, उन्हीं के उसी हिसाब से नंबर उनका आएगा, और जिन्होंने 10th पास भर रखा है उनके अनुसार उनका रैंक जारी हो जाएगा। अब दोस्तों कितने लोग हैं जिन्होंने 8 पास और 10वीं पास दोनों भर रखा है, तो सबसे पहले यहाँ बता दें कि अगर आपका 10th में नाम नहीं आएगा तो आपको 8वीं पास में देखा जाएगा, अगर उसमें सीट आपको मिल जाती है तो फर्स्ट रैंक में आपका नाम आ जाएगा। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसमें 100% ये नहीं कहा जा सकता है कि कितने रैंक वालों को जो है इसमें नाम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे रैंक हैं जैसे यहाँ पे दे सकते हैं कि यहाँ पे 1 रैंक है, यहाँ पे 2 रैंक है, 3 रैंक यहाँ पे रैंक दिया गया है। तो ये मान के चलिए जो यहाँ पे टॉप 100 तक है इनमें, इनका तो नाम पक्का फिक्स हो ही जाएगा क्योंकि इनका नाम अच्छा, मतलब इनका परसेंटेज अच्छा है, तो इनका नाम दोस्तों आ ही जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका परसेंटेज अच्छा है, ठीक है, इनका नाम दोस्तों जारी हो जाएगा। अब रही बात यहाँ पे जिनका जो है परसेंटेज बहुत ज़्यादा है उनका क्या होगा। दोस्तों, जो सीट आवंटन किया जाता है, अगर मान लीजिए जिस कॉलेज में आपने आवेदन किया है, अब सवाल ये होती है आपने कितना कॉलेज भर रखा है, ठीक है, कॉलेज आपने कितना भर रखा है, और दूसरी बात आपने ट्रेड कितना भर रखा है, ये सबसे बड़ी बात होती है। अब जिसमें परसेंटेज अगर आपका अच्छा होगा, ठीक है, तो अगर आप एक ही कॉलेज भरे हैं तो आपका जो है एक ही ट्रेड भरे हैं तो आपका जो है परसेंटेज अगर 90+ है तो आपका सिलेक्शन पहले मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन आपके परसेंटेज मान लीजिए अगर 50% है, यहाँ पे जिससे रैंक कितना आया है, 10th में रैंक है 18719 है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है यहाँ पे कृष्णा रजक का है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि इनका 18719 है और जो है इसमें परसेंटेज 50% है। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि इनका रैंक सेकंड में नहीं तो फिर थर्ड में इनका रैंक जारी होगा, तो ऐसे ही आपका रैंक कार्ड जारी होगा। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर मान लीजिए फर्स्ट में आपका नाम नहीं आता है दोस्तों, घबराना नहीं है, आपका कहीं कहीं सेकेंड में भी जारी हो जाएगा, जो है थर्ड में भी जारी हो जाएगा और फोर्थ में भी जारी हो सकता है। और बता दें कि 5 लिस्ट इसकी जारी होगी, तो आपको घबराना नहीं है कि आपका फर्स्ट में नाम नहीं आया है। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि मान लीजिए कोई कॉलेज ए है, कोई भी कॉलेज मान लेते हैं ये है, और यहाँ पे जो है मान लेते हैं 80 सीटें हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड जारी होती है इसमें से मान के चलिए कम से कम जो है 40 से 50 सीटें फर्स्ट राउंड में भर जाती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेड होती है जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, ये सब जो इंपॉर्टेंट ट्रेड होती हैं ये लगभग भर जाती हैं। इसके बाद सेकेंड जब जारी की जाती है तो ये सेकेंड में जाते जाते ये भी जो है लगभग फुल हो जाती है, मतलब कि अगर मान लीजिए 80 सीटें हैं तो इसमें से जो है 60 से 65 सीटें जो है वो फुल हो जाती हैं, बचती हैं मुश्किल 15-15 सीटें। इसके बाद थर्ड तक जाते जाते दोस्तों ये पूरी फुल हो जाती है, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, जो मतलब टॉप 10 ट्रेड होती हैं ये सब फुल हो जाती हैं। अब बचती हैं वो ट्रेडें जिनकी जो है
कह सकते हैं डिमांड थोड़ा सा कम हो, लेकिन डिमांड ऐसा है कि डिमांड नहीं है, ऐसा डिमांड होता है। लेकिन दोस्तों ऐसी बातें होती है कि इससे गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ ऐसे ट्रेड होती है जिनकी मांगता है, ठीक है, ऐसे प्राइवेट सेक्टर होते हैं जहाँ पे आपको वो मांगता है कि आपको यही ट्रेड से चाहिए, तो उसमें क्या होती है कि आपको ट्रेड से नहीं किए हैं तो आपको जो है उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जैसे दोस्तों सेकेंड मेरिट मतलब फर्स्ट जो है आपका जारी होगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, मैं आपको तुरंत बताऊँ कैसे आपका चेक कर सकते हैं और आपको पूरा प्रोसेस बताऊँ कि आप इस बात क्या क्या करना है कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जब जारी होगा तब इसके बाद आपको क्या करना है। दोस्तों इससे पहले आप सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, जितने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको तैयार कर लीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप चैनल पर दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको आपको जो है एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि जो है दिल्ली में ATM में कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उसके लिए आप जो है अलग से उसको वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों इंतजार करिए, 2 सितंबर का आपका सीट अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।